नमस्कार, भाग्यफल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ चंद्रश्री राजपूत। दोस्तों, ईशान कोण या उत्तर दिशा में साफ सफाई करके स्वास्तिक बनाए, उसके ऊपर चावल की ढेरी रखें और अब उसके ऊपर लकड़ी का पाट बिछाए। पाट के ऊपर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर माता लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रखें। तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी हो, माता के दाएं और बाएं सफेद हाथी के चित्र भी हो। और इसी बारे में हम ज्यादा जानकारी आज लेंगे आचार्य जी से कि आखिर किस तरीके से माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करनी, कैसे उन्हें स्थापित करना है, यही जानेंगे। और आज हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिष परिषद एवं शोध संस्थान अध्यक्ष ज्योतिष आचार्य डॉक्टर पुरुषोत्तम गौड़ जी। आचार्य जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। जी धन्यवाद। श्री राम, जय राम, जय जय राम, मेरे राम की जय हो। तो अगर आपके मन में कोई सवाल या शंका है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप हमें नंबर पर कॉल कर सकते हैं 0120715387, 0120715386। इन नंबर पर आप कॉल करिए और हमारे साथ जुड़िए इस कार्यक्रम में और अपने सवालों के जवाब आचार्य जी से ले सकते हैं। आचार्य जी, आज हमने सही तरीके से ईशान कोण में और उत्तर दिशा में किस तरीके से साफ सफाई करके और माता को स्थापित करके कैसे करना है पूजा अर्चना, जरा इसके बारे में बता दीजिए। देखिए, अब चूंकि दिवाली आने वाली है, घर घर में माँ लक्ष्मी का पूजन होना है, तो दिवाली की सबसे सरल विधि और माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का विधान बहुत सरल शब्दों में आपको हम निवेदन कर रहे हैं। आप ईशान कोण, जैसा कि यहाँ चंद्रश्री जी बता रहे हैं कि ईशान कोण जो उत्तर पूर्व का दिशा होता है आपका घर का, उसमें बड़े साफ सफाई से और चौक पूर करके फिर चौकी या पाटा बिछाएं आप, और उसके बाद लाल कपड़ा जरूर बिछाएं, माँ लक्ष्मी की मूर्ति या तस्वीर रख देवें, और तस्वीर में गणेश और कुबेर की तस्वीर भी होनी चाहिए, क्योंकि लक्ष्मी की तस्वीर में सरस्वती और गणेश जी होते हैं। गणेश जी लेफ्ट साइड में होते हैं और लक्ष्मी के राइट साइड में सरस्वती जी होती हैं। और सफेद हाथी का चित्र भी उसमें हो तो बहुत शुभ रहेगा। इस प्रकार से आप सूर्य देव और श्री गणेश, दुर्गा, शिव और विष्णु को पंच देव कहते हैं, और इनको सबको धूप दीप अगरबत्ती जला करके तस्वीर के आगे रखें और खुद के आसन भी लाल या पीला आसन बिछा करके उसमें बैठे षोड़श उपचार पूजा करें, 16 क्रियाओं से पूजन करें। पाद्यम, अर्घम, आचमनम, स्नानम, वस्त्रम, आभूषणम, गंध, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, आचमनम, तांबूलम, और ये सब समर्पण हमें करते हुए और पाठ करें। पूजन के अंत में सांगता सिद्धि के लिए दक्षिणा भी चढ़ानी चाहिए। सांगता सिद्धि यानी दक्षिणा जरूर चढ़ानी चाहिए। माँ लक्ष्मी जी को आप सभी के मस्तक पर हल्दी या कुमकुम का तिलक लगाएं और फिर हाथ में फूल चढ़ाएं। पूजन में अनामिका उंगली, छोटी वाली उंगली जो ये अनामिका होती है, इससे माँ को तिलक करें, कुमकुम चढ़ाएं, गुलाल लगाएं, हल्दी लगाएं, और उसके बाद ये मंत्र का जाप करें। मंत्र रहेगा, ओम श्रीम रीम श्रीम कमली कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीम रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमो नमः, धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजननी नमो नमः। इस प्रकार से माँ को प्रणाम करें और पूजा करने के बाद प्रसाद या नैवेद्य जो भोग लगाते हैं, इसमें खील पताशा अवश्य रखें और गन्ना जरूर लगाएं दोनों तरफ। प्रत्येक पकवान पर तुलसी का पत्ता रखा जाता है। इस दिन लक्ष्मी जी को मखाना, सिंगाड़ा, पता से और आपका गन्ना जो ईख बोलते हैं, हलवा, खीर, अनार, सफेद और पीले रंग के मिष्ठान और चावल जरूर बनाएं थोड़ा सा। पूजन के दौरान 16 प्रकार की गुंजिया, पापड़, लड्डू आदि जो है चढ़ाएं, पंचमेवा भी चढ़ाएं, बादाम, पिस्ता, छुआरा, हल्दी, सुपारी, गेहूं कलश के नीचे रखें, नारियल के नीचे रखें, कीड़े, फूल, आम्रबेल आदि से भगवान को, लक्ष्मी माँ को आप प्रश्न करने के लिए भोग लाएं। देखिए, आज हम ये चर्चा 5 दिन पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके जहन में ये चीज आए और आगे आप उसी तरह से क्रियान्वित उसको करें। पूजा के बाद कपूर आरती रखें, कौरम करुणा का श्लोक बोल लें और माँ की आरती करने बाद जल थोड़ा सा उसके ऊपर से करके नीचे डालें ताकि शांति रहे। दीपक
मुख्य दरवाजे पर 21 दीपक जलाएं, एक तेल का दीपक जरूर जलाएं, यम का दीपक होता है, रात्रि में सभी कोनों में दीप जलाएं, रोशनी खूब करें। और मैं आपको बता दूं कि अपने इष्टदेव को नहीं बोले, उनको भी वहां पूजन करें, स्वास्तिक बनाएं, कलश पर बनाएं, नवग्रह देवता, पंचलोकपाल देवता, षोडश मातृका, सप्त मातृका आदि का पूजन भी करें। और जो लोग ऑनलाइन अपने पंडितों की मदद से पूजा करते हैं, मैं उनमें विशेष तौर पर कहना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन जब करते हैं तो आप पूरा केंद्रित होके करें ऑनलाइन, और वो आजकल प्रैक्टिकली एक साथ बैठ के जो करते हैं वो एक जैसी होता है। और जो लक्ष्मी का पूजन करते हैं सिंह लग्न में, उनको रात्रि में करना चाहिए, लक्ष्मी कारक योग पूजा करने से कर से मुक्ति मिलती है। सुबह जल्दी, इस दिन सुबह जल्दी उठ करके प्रातः 1 तारीख को और नित्य कर्म से निर्मित होकर के पूजा की तैयारी करना शुरू कर दें, और फिर उसके बाद पूजा जमीन पर ऊनी आसन बिठा करके करें। ये लोग सोफा लगा लेते हैं, टेबल लगाओ, कुर्सी लगा लेते हैं, फिर लक्ष्मी जी का पूजन करते हैं। शायद वो उस दिन प्रयास करें कि ऊनी आसन लगा के, या मान लो पैर दर्द है अलग बात है, या कोई स्वास्थ्य खराब है तो अलग बात है। आपको ये भी बताएं कि आंगन को खूब अच्छे सजाएं, देवी पर रंगोली वगैरह बनाएं, मानने मनाएं, क्योंकि माँ लक्ष्मी के पद चिन्हों का मुख्य द्वार पर बड़ा महत्व होता है। माँ लक्ष्मी का आगमन के स्वागत में, वेलकम में आपको ये सब जो है रंगोली वगैरह, मांडने वगैरह, बंदनवार आदि लगाए, और दीप 21 51 101 दीपक जलाएं, लक्ष्मी जी के पद चिन्हों का मुख्य द्वार पर ऐसे लगाएं कि कदम बाहर से अंदर की ओर आ रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। घर के ईशान कोण में पूजा करें, पूजा के समय हमारा मुख ईशान यानी उत्तर या पूर्व में होना चाहिए। लक्ष्मी के पूजन के समय 7 मुख वाला घी का दीपक जलाएं, इसमें लक्ष्मी जी हमेशा आपसे प्रसन्न होती है। 7 मुख का दीपक जलाएं, चौमुखा कर लेते हैं उनसे 7 भी हो जाता है। तो ये छोटा सा एक सरल सा विधि हमारे जहन में आया कि आप लोगों से शेयर किया जाए, इसलिए बात को शेयर किया। और हमारे यहाँ चंद सिंह जी का तो यह है कि पहले त्योहार से पहले ही, पर्व से पहले ही ये जिक्र करती हैं ताकि आप लोग उसकी तैयारी कर सकें, कोई सामान आदि कमी हो तो सुनने के बाद आप लेके आए। इसी को लेकर के ये प्रश्न रखा, इनको बहुत मंगल शुभकामनाएं। जी, इसी के साथ आचार्य जी हमारे साथ कुछ कॉलर्स भी जुड़ना शुरू कर चुके हैं, एक एक करके कॉलर्स को लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। जी अपना नाम और अपना सवाल बताइए जो भी जुड़ा है। हेलो जी, जी 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 हाँ बन जी बोलिए। हाँ हेलो, जी, गुरु जी राधे राधे। राधे राधे बहन जी। हेलो, हाँ बोलिए, गुरु आप जी आराम मैं से बोलिए। गुरु जी, मैंने अपनी बहन है, मेरी उसका नाम उषा है। गुरु जी वो तो जब से मेरी बेटी का रिश्ता हुआ है गुरु जी, तब से बहुत झगड़ा कर रही है और बोल रही है कि रिश्ता तोड़ दो। गुरु जी मुझे ये बताना कि औरतें कैसी है, और हमारे घर में खूब झगड़ा हो रहा है इसके चलते, तो गुरु जी बताना ये औरत कैसी है, लगती मेरी बहन है, और शादी हमारी अच्छी से हो जाए। इसका नाम उषा है, गुरु जी ने बहुत ज्यादा तंग किया हुआ है गुरु जी। देखिए बहन जी, बहन और भाइयों का रिश्ता एक ऐसा है कि वो माँ का रिश्ता होता है, खून का रिश्ता होता है, ब्लड का रिश्ता होता है। तो हो सकता है कि कोई कारण उनके दिमाग में रहा होगा, किसी प्रकार का प्रेशर उनके ऊपर बना हुआ होगा, तो कई बार कई प्रेशर में और बिना सोच विचारे अपने शब्दों का इस्तेमाल कर देते हैं। उनको अनुमान नहीं होता कि मैं बहन हूँ, मुझे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, तो कई बार भावुकता में बोल दिया जाता है। आप तो निश्चिंत रहे, आपका गुरुदेव की कृपा से कोई विशेष अनिष्ट वाली बात है नहीं, कोई नुकसान नहीं है। बच्ची की शादी बड़े धूम धमाके से, हर्ष उल्लास से, बड़े उत्साह के साथ होगी, वही आप चिंता नहीं करें। आप बहन का भी सम्मान रखते चलें, लेकिन आपका खूब अच्छे से शादी होगा, नो टेंशन। आप तो बहुत हर्ष उल्लास से रहें, बड़ी मंगल शुभकामनाएं। जी, अगले कॉलर का रुख कर रहे हैं, अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। हाँ पंडित जी, राम राम। पंडित जी, जी आयुष्मान। अपने भाई के बारे में पूछना चाह रहा था। उनका नाम है तारातंग, और डेट ऑफ बर्थ की 21 नवंबर 1984,
रात को 9:35 पर हुआ है और जन्म स्थान है उसका झरिया धनबाद झारखंड के अंदर। तो मैं पूछना चाह रहा था सरकारी नौकरी के योग है या नहीं है। देखिए आपका बहुत स्वागत है हमारे यहाँ बागपत में। इनके सरकारी नौकरी का योग की बात करें तो सरकारी नौकरी का योग बनेगा, हालांकि शनि उच्च का होते हुए और चंद्रमा के साथ चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है और बुध की महादशा है और शनि उच्च का है, इस कुंडली में सबसे प्रभावी है, लेकिन विष योग बना हुआ है। तो शनि अस्त पाप ग्रहों के मध्य होने से मेरा मानना है कि सब कुछ होते हुए भी थोड़ा नुकसान कर सकता है, पर व्यक्तिगत और शारीरिक स्तर पर जीवन में बहुत लाभ प्राप्ति करेगा, क्योंकि राहु भी उच्च का है, केतु भी उच्च का है, उत्थादित योग बना हुआ है। तो आप चिंता नहीं करें, अवश्य जो है सरकारी नौकरी लगेगी इनकी, और ये सरकारी नौकरी 2025 अप्रैल से पहले पहले संभावना बनेगी। बहुत मंगल शुभकामनाएं हैं इनसे, आप नियमित रूप से शिव चालीसा के पाठ करने के लिए कहें। जी जी, अगले कॉलर की तरफ बढ़ रहे हैं। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े हैं, अपना नाम और अपना सवाल बताइए। हाँ जी, क्या हाल है, कैसे हैं? आओ आयुष्मान खुश रहो। जी एक जो प्रश्न है, एक डेट ऑफ बर्थ 17 सितंबर 1965। जी 17 सितंबर 1965। जी अब एक तो मैंने आपसे पहले पूछा था कि मुझे वास्तव में सच्चा गुरु कब मिलने की संभावना है, इस्लामिक गुरु हो गए या कई बार हो गए, और दूसरी चीज है तो मेरे आध्यात्मिक उन्नति कब से शुरू होगी और उसके लिए मुझे क्या उपाय करने। मैं जो उपाय तो मैं काफी कुछ करता हूँ लेकिन वो ना से गुरु मिल पा रहे मुझे और ना ही कोई आध्यात्मिक उन्नति हो पाए, कुछ भी चाहूँ स्वास्थ्य से संबंधी या अन्य कोई परिस्थिति संबंधी बातें आ जाती है। आपका आपका केतु उच्च का है पंचम भाव में, तो आपको गुप्त विद्या का प्राप्त हो सकता है, और गुरु जो बनेगा वो बहुत विनम्र होगा, बड़ा उदार दिल होगा, बड़ी सोच वाला व्यक्ति होगा और सभी को साथ लेके चलने वाला व्यक्ति, और जिसके पास आध्यात्मिक गुरु कृपा भयंकर होगी, ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा। आप कृपा करके, शनि की महादशा है और शनि आपका अष्टम भाव में वक्री हो रहा है, केतु आपका पंचम भाव में उच्च का बैठा हुआ है, राहु देख रहा है, राहु और चंद्रमा दोनों है लेकिन चंद्रमा उच्च का बैठा हुआ है, राहु भी उच्च का है यहाँ भाग्यश में। तो मैं आपको इतना भाग्यश मनी 11वें स्थान पर, तो मैं इतना सा कहना चाहूँगा आप किसी तरह से कोई बात नहीं है और बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपको जो है अच्छा गुरु मिलेगा और खूब अच्छा कार्य भी होगा और रिटायरमेंट होने के बाद भी आप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेंगे। आप अपना धैर्य पूर्वक काम करते रहें, आपके पास मोटी रकम कोई प्रॉपर्टी से आनी चाहिए थी, आ चुकी होगी और नहीं तो आ जाएगी। बाकी ये समय आपका ठीक है, और अच्छा समय की बात करें तो 11/12/2025 से जैसे 10/16/2026 से शनि में जब सूर्य आएगा तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कोई टेंशन नहीं करो, सब एकदम बढ़िया शानदार रहेगा, कहीं घबराने की जरूरत नहीं। जी आगे बढ़ते हैं अगले कॉलर की ओर। अगले कॉलर जो हमारे साथ जुड़े, अपना नाम और अपना सवाल बताएं। राम राम जी। राम राम जी। परसों का दिखाया था, ये तनिष्का का भाई उमंग है और पंडित जी इसका जन्म है 24/3/96 11:14 AM हैदराबाद। मेरा पियर हैदराबाद है, पंडित जी सब हैदराबाद के बांजा है, इसकी नौकरी की बड़ी दिक्कत आ रही है। 24/3/96 11:14 AM ऐसा है बहन जी, ये जो है जन्म पत्री, इसमें राहु की महादशा है और मिथुन लग्न में जन्म हुआ है, उमंग दो बहन भाई होते हैं और ये बड़ा सज्जन लड़का है, बहुत होशियार लड़का है, चंद्रमा उच्च का इनका बैठा हुआ है, हालांकि 12th हाउस में बैठा हुआ है, खर्च के घर में बैठा है लेकिन उच्च का बैठा है। तो ये क्या है, वित्तीय प्रबंधन को बहुत मेंटेन करेंगे। इनका बृहस्पति जो है सप्तम भाव में स्वराशि का बैठा हुआ है और दसम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो इस कुंडली में गुरु बहुत मजबूत है। इनको सप्तम भाव में बृहस्पति स्वराशि का बैठना
राजहंस योग बनाता है और ये व्यक्ति बहुत सर्वाधिक सर्वाधिक लाभ लेने वाला और सर्वाधिक मान प्राप्त करने वाला रहेगा। आपको टेंशन करने की आवश्यकता नहीं है, आप तो निश्चित रहो और कोई टेंशन नहीं, बहुत तरह की उन्नति करेंगे। सूर्य हालांकि पाप ग्रहों के मध्य बैठा है, थोड़ा सा कमी करता है, लेकिन सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के लिए कहे नियमित रूप से, और बुधवार के दिन हरा चारा गायों को दें, ये करवाइए, अवश्य लाभ होगा। बहुत मंगल मंगल शुभकामना है जी। और अब आचार्य जी वक्त हो गया है आज का राशिफल जानने का, तो आइए हम बात करते हैं मेष राशि से। आज मेष राशि के जातकों को अपनी प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देना चाहिए। हर रिश्ते को समय समय पर चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन हम उससे कैसे निपटते हैं ये जरूरी है, और ये आज आप करके दिखाएंगे। अपने प्रेम संबंधी मुद्दे और दफ्तर की दिक्कतों को आज सावधानी पूर्वक आप संभाल लेंगे। आपको छोटी मोटी चीजों से रिश्ता मजबूत बनेगा। आज आपका स्वास्थ्य बहुत ठीक रहने वाला है। और अब इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि वाले लोगों के। आज अपने प्रोफेशनल रिश्तों को मजबूत बनाए रखने के लिए मुद्दों को सॉल्व करें, ऑफिस और पर्सनल जीवन में संतुलन बनाए रखें, सभी पेशेवर लक्ष्यों को हासिल करने का प्रयास करें। मुद्दों का सामना करने से जल्दीबाजी करने के बजाय एकदम पीछे हटें, भावनाओं को शांत होने का समय दें, विश्वास रखें कि मुश्किल की घड़ी बीत जाएंगे, परिणाम स्वरूप आपका रिश्ता और मजबूत बनेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि वाले सभी दर्शकों। जब कोई हमारी फीलिंग्स को इफेक्ट नहीं करता है या दूर चले जाने का विकल्प चुनता है, तो यह संकेत मिलता है कि हमारे लिए थोड़ा सा विनम्र बनना चाहिए। जक्षण पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय सही व्यक्ति के व्यवहार का ध्यान करें। आपकी तारीफ चारों तरफ होंगी, आप एक्सेप्ट करेंगे कि आपको सम्मान और यश कीर्ति का विस्तार हो रहा है। और बात करते हैं कर्क राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज कर्क राशि वालों को अपने चेहरे पर मुस्कान रखें, क्योंकि ये आपके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। आज प्यार के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने के लिए आपको शांत रहना चाहिए। कार्यालय में आपकी उत्पादकता हाई रहेगी। आज स्वास्थ्य और आर्थिक जीवन दोनों उत्तम बने रहेंगे। आप सोच समझ करके इन्वेस्टमेंट करने के लिए जरूरी डिसीजन को ले सकते हैं। चुनौतियों का आज कई प्रकार से स्वाभाविक रूप में आप हिस्सा बनेंगे, लेकिन उनसे पार पाना आप बड़ी भांति जानते हैं और सफलता प्राप्त करेंगे। और बात करते हैं सिंह राशि वाले सभी दर्शकों। आज सिंह राशि के जातकों को आप चुनौती से अधिक प्रभावी ढंग से निपटने में सक्षम होंगे। अपने आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर डालने से बचें और टास्क को कंप्लीट करने में अपना समय लें। लाइफ और वर्क के बीच में बैलेंस बनाना जरूरी है। अपनी एनर्जी को सही जगह इस्तेमाल करें। आज अपने शरीर और दिमाग की आवश्यकता को सुनना बेहद जरूरी है। और अब बात करते हैं कन्या राशि वाले सभी दर्शकों को। कन्या राशि वाले लोगों को आज पर्सनल और प्रोफेशनल जीवन को लेकर के थोड़ा परेशानी रह सकती है। आराम करें, क्योंकि बॉडी को जरूरत है आराम की। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा और भारी वस्तुओं उठाने से बचें। आज के डिजिटल युग में अपने पर्सनल जानकारी सुरक्षा के लिए ऑनलाइन सिक्योरिटी को प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। पर अब बात करते हैं तुला राशि वाले सभी दर्शकों। आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। दिन को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए अपने लव लाइफ पर फोकस करें। कार्य में प्रोडक्टिविटी पर ध्यान दें और आपका वित्त और स्वास्थ्य दोनों ही आज बहुत अच्छा रहेगा।
सकारात्मक संबंध बनाए रखें, लंबे समय तक अपने लिए फायदेमंद स्थिति को आप चुन के रखें, आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज वृश्चिक राशि वाले लोगों को पॉजिटिविटी बनाए रखने का स्थिति रहेगा। प्यार का इजहार करने और उसे वापस पाने के लिए आज का दिन बहुत शुभ है। सभी व्यवसायिक लक्ष्यों को पूरा करने के लिए सावधान रहे। आज आपका धन और स्वास्थ्य दोनों अच्छा रहेगा। हाल में ही आप अपनी जरूरतों पर ध्यान देने के बजाय दूसरों को खुश रखने में अधिक ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। आज का राशिफल आपको सबसे पहले अपना ख्याल रखने की सलाह देता है। और भाई हम बात करते हैं धनु राशि वाले लोगों। आज का दिन कई मामले में बहुत बेहतर रहेगा। कभी कभी हम जो सॉल्यूशन तलाशते हैं वह हमारे सामने ही होते हैं, लेकिन डिस्ट्रक्शन के कारण हम उन्हें देखने में नाकामयाब रहते हैं। एक पहले के टुकड़े को ढूंढने जैसी बात हो जाती है। जो तस्वीर को पूरा करते हैं, सामने आने वाले बदलाव से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, वो आपको सरप्राइज आज दे सकते हैं। पर अब बात करते हैं मकर राशि वाले सभी दर्शकों की। आज रोमांस संबंधी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालें, अपने काम पर ध्यान दें, महत्वपूर्ण मौद्रिक डिसीजन लेने से बचें। आपका स्वास्थ्य भी पूरे दिन अच्छा रहने वाला है और आज पॉजिटिव तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आपको बहुत सफलता मिलेगी। और अब बात करते हैं कुंभ राशि वाले सभी दर्शकों के लिए। आज के दिन कुंभ राशि के जातकों के लिए वित्त और प्रेम जीवन को लेकर किस्सा होता रहना अच्छा रहेगा। आप न्याय करने में विश्वास रखते हैं। चुनौतियां मुश्किल लग रही हैं, लेकिन अक्सर ये छुपे हुए अवसर आपको बहुत लाभ देते हैं। और अब बात कर रहे हैं मीन राशि वाले सभी दर्शकों। आज पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़ना आवश्यक है। चाहे अवसर झुकना हो या निराशा का सामना करना हो, याद रखें अन्य रास्ते नए मौके आपका इंतजार कर रहे हैं। इस प्रकार से आज का हमारा यह है राशि फल। जी तो आचार्य जी ने आज आपको बताया कि कैसे आपको दिवाली के दिन माता की पूजा करनी है। बहुत ही सरल उपाय, सरल तरीके से आपको समझाया और आज का राशिफल भी जाना। इसी के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो जाने से पहले आपको दर्शन कराते हैं खाटू श्याम जी की आरती के।